नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के 31,000 पदों के लिए जो भर्ती निकलने वाली थी उसकी परीक्षा तिथि अब बढ़ने वाली है, यह आज ही की खबर है। फिलहाल 2 अगस्त को प्रस्तावित है परीक्षा, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के चलते ये परीक्षा स्थगित होने के पूरे चांस बन गए हैं। और शिक्षा मंत्री ने इसके बारे में क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गत जनवरी में प्रदेश भर में 31,000 पदों पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2 अगस्त को करवाने की घोषणा की गई थी। हालांकि मार्च तक इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला, फिर अब कोरोना वायरस के कारण 31 दिन का लॉकडाउन हो गया है। तो बात ध्यान रखने वाली यह है कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया है कि नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति के बाद 3 महीने का समय दिया जाएगा। साथियों ध्यान से देखिए, यानी कि आपको तैयारी करने का 3 महीने का समय दिया जाएगा और आपको 3 महीने के समय से पहले विज्ञापन आपके सामने होगा, सिलेबस आपके सामने होगा। क्योंकि अभी तक रीट भर्ती का पैटर्न और सिलेबस स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को इसकी तैयारी के अंदर तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, विशेष तौर पर रीट लेवल 2 के लिए। हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे, चैनल पर बने रहिए। चैनल को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।